बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कल यानी शनिवार को बिहार में राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बाद लिया जाएगा बिहार में लॉकडाउन के लेकर बड़ा फैसला। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक दो दिनों में जारी हो सकता है अधिसूचना। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया बड़ा बयान, 33% ही विद्यालय में उपस्थित रहेंगे शिक्षक। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 6133 संक्रमित मरीज मिले। सरकारी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर खुलेगा। मरकज में सिर्फ 50 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। विदेशी कोरोना टीकों का सिर्फ 3 दिन में मंजूरी मिलेगी। नमस्कार, आप इस के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर लेंगे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और आपको क्या जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति भयावह होते जा रहा है। कोरोना का ग्राफ लगातार प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, संख्या में इजाफा होते जा रहा है। कल रिकॉर्ड भी कोरोना का टूट गया है, कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया है। कल एक दिन में 6133 संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसा अब नहीं है कि केवल शहरों में ही संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, बल्कि अब गांवों में भी, कस्बों में भी संक्रमित मरीजों का मिलना शुरू हो गया है। भले ही बिहार लॉकडाउन अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर कल शनिवार को सर्वदलीय बैठक राज्यपाल की अध्यक्षता में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि लोग सतर्क रहे। उन्होंने कहा है कि कल इस पर फैसला सर्वदलीय विचार आने के बाद लिया जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू लागू हो या नहीं हो। भले ही ये सूत्रों की माने तो भले ही लॉकडाउन बिहार में ना लगे, लॉकडाउन वाली शब्द ना दे, लेकिन कड़ाई से पालन जरूर करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार दोगुने संख्या बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने भी इशारों में सब कुछ कह दिया है और यह भी कहा है कि जो भी मजदूर बाहर से बिहार आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाएं। इधर सरकारी अस्पतालों में अब फ्लू कॉर्नर खुलेगा। बंद करो तो बाबू। तो आपने ठीक सुना कि सरकारी अस्पतालों में अब फ्लू कॉर्नर खुलेगा। एहतियात क्या होंगे, अस्पताल आने वाले मरीजों की पहले होगी थर्मल स्क्रीनिंग, लक्षण पाए जाने पर वहीं होगा एंटीजन का टेस्ट। और इधर विदेशी कोरोना टीकों पर सिर्फ 3 दिन में मंजूरी मिलेगी। थोक महंगाई 8 साल के उच्चतम स्तर दर पर पहुंचा। बिहारी महिलाओं के घरेलू उत्पाद अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, अब देखिए महिलाओं का झुकाव जो है घरेलू उत्पादन पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर हो रहा है। कोरोना काल में मिलेगी राहत। शिक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं अरुण बाबू। स्कूल में कैचअप कोर्स पर लग सकता है ग्रहण। देखिए बिहार में स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए तो कैचअप कोर्स कैसे चलेगा, इस पर ग्रहण लग सकता है। तय दर से ज्यादा शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई आरटीपीसीआर जांच में। फ्लू कॉर्नर से ही गैर संक्रमितों को अलग कर दिया जाएगा। पटना में ऑक्सीजन सप्लाई का 90% अस्पतालों को, केंद्र सरकार के दफ्तरों में 100% उपस्थिति, संक्रमण का डर। पंचायत प्रतिनिधि होकर चकबंदी सलाहकार समिति के सदस्य। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है कि शिक्षक जो है विद्यालय में 33% के हिसाब से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक जो है प्रतिदिन उपस्थित होंगे। जहां दो ही शिक्षक हैं वहां बारी बारी से एक एक शिक्षक स्कूल जा पाएंगे। और स्कूल खुले रहने के कारण सरकारी दस्तावेजों का और जो अभिलेख हैं उनको तैयार करेंगे, जो रिपोर्ट मांगी गई है वो रिपोर्ट को संग्रहित करके भेजने का काम करेंगे। इधर शिक्षा विभाग ने भी इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है कि शिक्षक 33% स्कूल में उपस्थित रहेंगे। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक दो दिनों में अधिसूचना बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया जा सकता है। कारण यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच आपसी सहमति बन गई है। अब केवल मामला है कि किस ईवीएम से चुनाव कराया जाए, इसको लेकर भी शीघ्र फैसला ले लिया जाएगा और फैसला लेने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बढ़ते संक्रमण को देखकर अब छठ पर्व पर भी ग्रहण लग गया है, चाहे वह देव हो या अन्य जगह हो, अब वहां पर
संख्या में लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जाएगी, मंदिर बंद रहेंगे, छठ वहां पर नहीं हो पाएगा। ऐसे भी मंदिर मस्जिद तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है, विद्यालय बंद है। तो सरकार का एक बड़ा यह फैसला है कि पंचायत चुनाव भले ही अधिसूचना जारी हो जो, लेकिन अब जो स्थिति है कोरोना के उसको लेकर अब ऐसा लगने लगा है कि अधिसूचना भी जारी होगा तो डेट को लंबा खींचा जा सकता है, क्योंकि जब सब कुछ बंद रहेगा तो चुनाव क्यों नहीं, चुनाव कैसे होगा। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना का असर ही नहीं है। तो आप जैसा कि सुने कि पटना में बोर्ड लगा दिया गया था कि बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि कोरोना को भगाना है तो चुनाव करवाना जरूरी है। इस तरह के भी लोग मजाकिया चीज़ों को बाहर ला रहे हैं, बैनर पोस्टर साट रहे हैं। पटना में इस तरह से बोर्ड लगना एक हंसी का पात्र कहा जा सकता है। तो फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अगर सच्चाई जो भी हो, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।